नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। खबर लखनऊ से, जहां पीएम मोदी फरवरी से करेंगे चुनावी रैलियों का आगाज। पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां प्रधानमंत्री करेंगे और योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में पीएम मोदी रैली करेंगे और अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र से भी पीएम की रैली होगी और काशी गोरखपुर पश्चिमी क्षेत्र में पीएम की रैली होगी और ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में कराने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी से चुनावी रैलियों का आगाज उत्तर प्रदेश में करेंगे। पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां प्रधानमंत्री की ओर से की जाएंगी और योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। और साथ ही आपको बता दें कि सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रैली की जानी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में चुनावी रैलियों का आगाज उत्तर प्रदेश में करेंगे। पहले चरण में यूपी में 3 रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को और भी ज्यादा धार देने के लिए प्रधानमंत्री अब चुनावी रैलियों में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री फरवरी से चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। पहले चरण में यूपी में आपको बता दें कि 3 रैलियां प्रधानमंत्री की ओर से की जानी है। तो वहीं लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र में पीएम की रैली होगी और काशी गोरखपुर पश्चिमी क्षेत्र में भी पीएम रैली करेंगे और साथ ही ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में कराने की तैयारी भी की जा रही है। तो ब्रज क्षेत्र की जो रैली है वो अलीगढ़ में कराने की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। चुनावी रण में लगातार अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां करेंगे। फरवरी से चुनावी रैलियों का आगाज प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। वहीं ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ से तैयारी करने की कोशिश की जा रही है। तो फरवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों का आगाज करेंगे और पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैलियां होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है और उन्हीं रणनीतियों में से एक प्रधानमंत्री की ओर से 3 जो रैलियां हैं वो की जाएगी। तो पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां प्रधानमंत्री की ओर से की जाएगी। तो अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र से पीएम मोदी रैली करेंगे और काशी गोरखपुर पश्चिमी क्षेत्र में पीएम की रैली होगी और साथ ही ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में कराने की तैयारी भी की जा रही है। तो 3 रैलियां प्रधानमंत्री की ओर से पहले चरण में उत्तर प्रदेश में की जानी है। फरवरी माह से चुनावी रैलियों का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तर प्रदेश में किया जाना है। तो यूपी में 80 सीटों पर विजय हासिल करने का लक्ष्य बीजेपी की ओर से रखा गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता और पीयूष तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां प्रधानमंत्री करेंगे, लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, जो नीति और रणनीति है बीजेपी की वो अब साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर से जनवरी में 22 तारीख को जब रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठान है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगी। इसको लेकर सभी जो 6 संगठनात्मक क्षेत्र हैं, काशी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, ब्रज और पश्चिम, इन 6 क्षेत्र में संयुक्त रैलियां कराई जाने की कार्यक्रम बनाया गया है। माना जा रहा है कि फरवरी से लेकर और फरवरी के आखिरी मंथ, आखिरी सप्ताह तक इन रैली को करा लिया जाएगा, जिस तरीके से कि मार्च का जो महीना होगा उसमें कहीं ना कहीं चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये चुनाव की आचार संहिता लागू की जा सकती है। उसके पहले फरवरी माह में भारतीय जनता पार्टी 3 बड़ी रैली कराएगी और रैली रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। माना जा रहा है कि 2 क्षेत्र की मिला के एक संयुक्त रैली कराएगी जिसमें
में कानपुर और लखनऊ की रैली को लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर मैदान में कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं ब्रज और पश्चिम की रैली की बात करेंगे तो अलीगढ़ को चुना गया है कि अलीगढ़ में इसको रैली कराई जा सकती है, और अगर गोरखपुर और काशी की बात करेंगे तो उसकी रैली आजमगढ़ के क्षेत्र में कराई जा सकती है। माना जा रहा है कि इन तीनों रैली को भव्य रूप दिया जाएगा, और साथ ही साथ कई हजार करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास है वो भी करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो माना जा रहा है कि बीजेपी एक जो राममय का माहौल रहेगा, जो पूरा न केवल प्रदेश में पूरे देश में जो राममय का माहौल है, उसके साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मूड में आ जाएगी, और चुनाव मूड में क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा चेहरा आया था, और माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर एक बार आपके क्षेत्र में रैली करते हैं तो न केवल एक लोकसभा क्षेत्र बल्कि उस पूरे क्षेत्र में आने वाली तीन से चार, पांच से छह जितनी भी लोकसभा सीटें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हुए नजर आते हैं। और उसकी शुरुआत पहन चुनाव से पहले शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के द्वारा भव्य बड़ी रैली करके कर सकता है, इसलिए पूरी कैद किया जा रहा है। माना कि जा रहा है कि जनवरी के माह में भी तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रातः श्रद्धा के जो कार्यक्रम होगा उसके बाद प्रभात कार्यक्रम करेंगे, जिसमें अमित शाह जो कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि 2014 के जब जीत का आगाज किया था जो लगातार जारी है उस समय कमान उत्तर प्रदेश की भी अमित शाह के पास थी, और माना जाता है कि अमित शाह नब्ज जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की एक एक नब्ज से वाकिफ है। तो पूरी कहीं ना कहीं कमान चाहे जिसके हाथ में रहे पर रणनीति अमित शाह की रहेगी, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का रहेगा, और इसके तहत 80 लोकसभा सीटों पे 80 का वादा किया है, और माना जा रहा है कि 75+ का जो टारगेट के आसपास भारतीय जनता पार्टी अगर जो इंटरनल उनके सर्वे आ रहे हैं वो 75+ की तरफ जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या 80 में 80 का जो वादा किया उसको पूरा करेंगे, उसकी तैयारी में प्री कह सकते हैं आपकी प्री इलेक्शन जो रैलीज हैं जिसमें आपके लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाएंगे, तो माना जा रहा है कि 80 में 80 का जो टारगेट है उसके काफी करीब पहुंचते हुए नजर आने की कोशिश करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी। अब देखना होगा कि जो रैलियां हैं उनका कब किस समय प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि लगातार उनके व्यस्त कार्यक्रम होंगे उनमें कौन सी डेट मिलती है, इस डेट को लेके अभी कोई चीजें क्लियर नहीं है। पहला जो पूरी तैयारी है वो राम मंदिर के जो राम प्रतिष्ठान है जो रामलला का जो मंदिर का प्रतिष्ठान है उस कार्यक्रम का है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब पूरे कार्यक्रम होंगे उसके बाद माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम से फिर से एक्टिव मोड में होगी, और उसकी जो सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ा माना जाता है कि अगर आपको चुनाव जीतना है दिल्ली पर काबिज होना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है, उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजा सकते हैं, फिर कहें तो चुनावी जो रैलियां हैं उनका शंखनाद कहें आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, कहें कि सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल पीयूष, चूंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, और सभी राजनीतिक पार्टियों की जो निगाहें हैं वो भी उत्तर प्रदेश में टिकी हुई है। प्रधानमंत्री रैलियों का आगाज करेंगे, रैलियों की शुरुआत प्रधानमंत्री की ओर से की जाएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले 2014 के बाद से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चूंकि पहले भी थी लेकिन 2014 के बाद से जिस तरीके से और भी उसमें इजाफा हुआ है, उसके बाद एक के बाद एक तमाम जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीता है, या यूं कहें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते हैं और उसका असर भी देखने को मिलता है। खासतौर पर आपने देखा होगा कि जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए उसमें से 3 राज्यों में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा भी होने वाला है। आमतौर पर जब भी चुनाव होता है लोकसभा का तब प्रधानमंत्री की रैलियां और जनसभाएं कराई जाती हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कई जनसभाएं और रैलियां होंगी, और यह भी जानकारी मिल रही है कि जो चुनावी शंखनाद है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी होगा। और गृहमंत्री अमित शाह भी 15 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश जाएंगे, जो संगठन के महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनकी मौजूदगी रहेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी लखनऊ जाएंगे, और बाकायदा एक तरीके से रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से कहां कहां पे जो चुनावी जनसभाएं हैं, जो रैलियां हैं वो कराना है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो रणनीतियां हैं वो पहले भी बनाई जा रही है। आपने देखा कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के विस्तार कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बार पूरी तरीके से बीजेपी की यही कोशिश है कि जो बीजेपी ने पिछली बार या उससे पिछली बार जो एजेंडा अपने घोषणा पत्र में तय किया था या अपने चुनावी जनसभाओं के दौरान जिस तरीके से जनता से वादा किया था कि वो सत्ता में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं राम मंदिर बनवाएंगे, तो उसको एक तरीके से अब राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं चुनावी जनसभाओं में भी इसको पिरोया जाएगा या जनता को बताने का प्रयास किया जाएगा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभाओं में जाते हैं तो एक अलग उत्साह कहीं ना कहीं लोगों में भी देखने को मिलता है दूर दूर से। बिल्कुल ठीक है पीयूष, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।